हेलो स्टूडेंट, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व करते हैं क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 12.3। तो आज इसका क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसको सोल्व करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में बोलता है ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क्स तो ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये दो एक आर्क की होगी और एक की ये बड़ी वाली आर्क होगी। तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब जिनका सेंटर सेम हो लेकिन रेडियस अलग अलग हो। तो वैसे ही अगर इसको मिलाएंगे तो एक पूरा सर्कल बनेगा और यहाँ से भी पूरा सर्कल बनेगा। तो दो एक के अंदर एक सर्कल है। तो इसमें से एक का रेडियस जो है बोलता है 21 सेंटीमीटर, जो कि मैंने लिख दिया है। ये बड़े वाले का रेडियस जो 21 सेंटीमीटर और छोटे वाले का 7 सेंटीमीटर का रेडियस है। सेंटर ओ है इनका। अगर ये एंगल इनके बीच में जो एंगल है बोलता है 30 डिग्री का, तो शेडेड रीजन का एरिया निकालिए। तो देखिए, शेडेड रीजन का एरिया सिंपल है कि पूरे आर्क का एरिया निकाल दो इस बड़े वाले का, छोटे वाले का, और बड़े में से छोटे आर्क एरिया को माइनस कर दो, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। आर्क नहीं, सेक्टर जो है। तो इसमें एरिया निकालेंगे हम सेक्टर पहले। इस सेक्टर का नाम है ए बी ओ। तो एरिया ऑफ सेक्टर ए बी ओ या ए ओ बी, वही फॉर्मूला लगेगा, थीटा अपॉन 360 पाई। तो इसका रेडियस जो है वो बड़ा है तो कैपिटल आर स्क्वायर लगा देते हैं यहाँ पे। तो थीटा में दे रखा है 30 अपॉन 360 और पाई 22 ऊपर में 7 और आर जो है वो है 21 इंटू 21। तो 3 1 3, 3 2 6 और 7 3 21, 3 4 12 और 11 बार में गया। तो ये बचेगा 11 इंटू 21 अपॉन 2। तो इसमें डिवाइड करेंगे। देखिए, तो डिवाइड करने के बाद 2 10.5 और इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 115.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया पहले का। और वैसे ही ये जो सेक्टर है छोटा वाला सी ओ डी, इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर सी ओ डी वो भी वही हो जाएगा, थीटा अपॉन 360। क्योंकि थीटा हमने इसलिए लिखा क्योंकि थीटा सेम ही है, रेडियस अलग अलग है। तो एक का रेडियस हमने कैपिटल आर ले लिया, जिसका छोटा रेडियस उसको स्मॉल आर ले लिया। तो वही 30 अपॉन 360 पाई आर है 7, तो 7 इंटू 7। तो 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, ये फिर से वही डिवाइड होके आएगा 12, 2 6 12 और 11 बार में। अब बचेंगे ये ऊपर वाले, तो 11 मल्टीप्लाई में 7 और ये अपॉन में 6। तो अब यह आ जाएगा 77.6। तो डिवाइड कर जाएगा 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो शेडेड रीजन है उसका एरिया जो हो जाएगा वो इस सेक्टर में से इसको माइनस कर देंगे एरिया को। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, जो कि है 115.5, उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर सी ओ डी, वो है 12.83। तो इसको माइनस करने पे आ जाएगा 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना ही है, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। किसी और क्वेश्चन में भी डाउट रहेगा तो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं भी उसका भी उस पर वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।